to the channel guys, and today we are going to start over the adverb mani kriya visheshan. So please like and subscribe to my channel. So let's get started. A adverb is a word which modifies a verb, an adjective or any other adverb. जो शब्द किसी क्रिया विशेषण अथवा किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं. क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जो दूसरे क्रिया विशेषण की दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण माने एडवर्ब कहते हैं. सो लेट्स टॉक फॉर द एग्जांपल्स. लेट्स सी द एग्जांपल्स. मोहन वॉक्स लोली. पहले वाक्य में, इस वाक्य में चलता है वॉक्स वर्ब है तथा स्लोली धीरे क्रिया विशेषण है. जैसे वॉक्स चलता क्रिया की विशेषता बताता है. दूसरे वाक्य में राम बहुत सुंदर है. राम इज़ वेरी हैंडसम. इस वाक्य में हैंडसम विशेषण है. Let's learn about kinds of adverb. Adverb of manner, adverb of place, adverb of time, adverb of number, adverb of degree. तो अब हम लोग इसको हिंदी में देखते हैं. Adverb of manner is रीतिवाचक क्रिया विशेषण. Adverb of place स्थानवाचक क्रिया विशेषण. Adverb of time समय सूचक क्रिया विशेषण. Adverb of degree शैक्षिक सूचक क्रिया विशेषण. Adverb of number संख्यावाचक क्रिया विशेषण. सो लेट्स लर्न अबाउट व्हाट आर दैट टाइप्स. लेट्स स्टार्ट विद एडवर्ब ऑफ मैनर. डिस्क्राइब्स द वे ऑफ डूइंग समथिंग. ये किसी काम को करने का ढंग बताता है. लाइक ही वॉक स्लोली. स्लोली इज अवर एडवर्ब ऑफ मैनर. मोहन रन्स फास्ट. फास्ट इज एडवर्ब ऑफ मैनर. सो लेट्स बिगिन टू आफ्टर adverb of place. Adverb of place, in which there is a sense of the place of action of the verb. जिसमें क्रिया के काम करने का स्थान का बोध होता है. जैसे he will stay here. वो यहाँ रहेगा. तो वो कहाँ रहेगा? यहाँ रहेगा. वो एक प्लेस की बात कर रहे हैं. वो कहाँ रहेगा? यहाँ रहेगा. God is everywhere. भगवान हर जगह रहते हैं. भगवान हर जगह रहते हैं. एक प्लेस की बात कर रहा है कि कहाँ कहाँ भगवान रहते हैं. हर जगह रहते हैं. सो अपने आप से सवाल करे करो. ही स्टे हियर. गॉड इज एवरीवेयर. ओके. सो लेट्स बिगिन टू एडवर्ब ऑफ टाइम. इट इज अवर एडवर्ब ऑफ टाइम. द डिस्क्राइब्स द सेंस ऑफ टाइम. He comes late. वो लेट आया. I go tomorrow. मैं कल जाऊँगी. अब इसमें आप ध्यान दो, इसमें काम करने के समय का बोध होता है. और इसमें आप देखो, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, अर्ली, लेट, नाउ, सून, वंस, बिफोर, अगो, ऑलवेज आदि के शब्द को हम लोग टाइम में लाते हैं. सो नेक्स्ट इज अवर एडवर्ब ऑफ डिग्री. इसको ये बहुत आसान है. बस आपको टुमारो या ऑलवेज या ऐसी चीज़ें को लगाना है. सो डिस्क्राइब्स एडजेक्टिव और एडवर्ब वर्ट्यू और डिमेरिट. इज एग्जांपल, इट इज टू हॉट डे. टू, योर वर्क इज क्वाइट गुड. क्वाइट. सो इसमें ये बताता है, इससे बोध होता है कि उस एडजेक्टिव या एडवर्ब में गुण अवगुण की मात्रा कितनी है. डिग्री का अर्थ ही होता है मात्रा. जैसे इट इज़ टू हॉट टुडे. योर वर्क इज़ क्वाइट गुड. जैसे मच, वेरी, क्वाइट, ऑलमोस्ट, कम्प्लीटली, एक्सट्रीमली आदि. सो बिगिन टू अवर एडवर्ब ऑफ नंबर. Let's continue to our adverb of number. Describes how many times work has done. मतलब इससे कार्य कितनी बार हुआ है उसकी संख्या का बोध होता है. She sang thrice. Comes here twice a week. यह शब्द कर्ता के बाद लिखो लेकिन वर्ब के पूर्व होने चाहिए. So this is
end of the video. Please like and subscribe to my channel. Bye bye.